इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें निकालना है? रोटेटिंग कंडक्टर. देखो रोटेटिंग कंडक्टर में क्या है कि सपोज ये एक कंडक्टर है, राइट, रॉड है, इस रॉड की लेंथ एल है और ये इसका एक्सिस है. ये सपोज इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है विद ओमेगा. तो ये रॉड किसमें घूम रही है ना, सर्कल ऐसे, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है. तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है. अब कोई कहता है कि क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगी टी और क्यू पॉइंट के बीच में? बिल्कुल होगी. पता है क्यों? आप सोचें, मैग्नेटिक फील्ड फिर से बोर्ड के अंदर आई, देखो, और ये रॉड है. पहले रॉड कैसे मूव कर रही थी, ऐसे लाइंस को कट कर रही थी. अब वो कहते घुमा दो, घुमाने से लाइंस को अभी भी कट करेगी, लाइंस अंदर की तरफ हैं, तो देखो ऐसे घूमे कि लाइंस को कट करेगी. फैराडे का लॉ क्या कहता है, अगर लाइंस कट होगी परपेंडिकुलर तो ईएमएफ पक्का जनरेट होगी इसमें, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगी. अब किसी ने कहा कैसे निकाले ईएमएफ, तो मैंने कहा एक काम कर, ईएमएफ निकालने के लिए ना पहला काम एक काम कर, इसका स्मॉल एलिमेंट ले ले, ये ले. उसने कहा स्मॉल एलिमेंट क्यों, मैं सीधा लगाऊंगा ना बीएलवी, आपने बताया तो बीएलवी लगा ले. बीएलवी एक प्रॉब्लम है, बीएलवी में प्रॉब्लम ये है इसकी लेंथ एल है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी पता है क्या होगी, एल ओमेगा इक्वल टू आर ओमेगा. और इस एलिमेंट की जो वेलोसिटी होगी, मान लो इसकी दूरी यहां से कितनी है एक्स, तो वी इज इक्वल टू कितना, एक्स ओमेगा. अब हर एलिमेंट की दूरी अलग 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 है, तो वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा से हर की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट है. तो मैं एक बारी में तो आंसर निकाल नहीं सकता. तो मैंने उसे कहा एक काम कर, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले ले बस. इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है बहुत स्मॉल, कितनी ले ले, dx ले ले, और कितनी दूरी पे, x. तो वेलोसिटी क्या है, x ओमेगा. अब यहां पर मोशनल ईएमएफ लगा दे, यहां पर स्मॉल मोशनल ईएमएफ, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या होगा, b लेंथ की जगह dx इंटू v, blv की जगह blv, लेंथ की जगह dx कर लिया, और v की जगह क्या पुट करेंगे बताओ, v इस एलिमेंट का क्या है, x ओमेगा. तो आपके पास स्मॉल ईएमएफ की वैल्यू आ गई b इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स. क्या ये स्टेप क्लियर है, ये स्मॉल ईएमएफ है. तो मैंने कहा मैं तो पूरी रॉड की निकाल रही है. वो कहते हैं काम करो, स्मॉल 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 ईएमएफ को मिला दो और टोटल ईएमएफ ई आ जाएगी. तो स्मॉल ईएमएफ कैसे मिला, यानी कि इंटीग्रेट कर दें. तो इनकी इंटीग्रेशन कर देते हैं कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के, तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, एल. तो जीरो से एल तक, जीरो से लेके ईएमएफ ई तक, तो ई इज इक्वल टू b इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय क्या आएगा, 2 आ जाएगा. कहां, 0 से लेके l तक. तो आंसर हाफ बाहर आ गया, b ओमेगा x की जगह l, तो आंसर आ गया हाफ b ओमेगा इंटू l स्क्वायर. ये इसका आंसर है. क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, रोटेटिंग रॉड में मोशनल ईएमएफ का ये फॉर्मूला p और q का इसके इक्वल रहेगा. अब फ्लेमिंग से सुन लो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट की, या ये बताओ कि P और Q में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, क्योंकि EMF कहां डेवलप हुआ, P और Q के बीच में डेवलप हुआ. ये जो EMF आई वो किसके किसके बीच में आई, P और Q के बीच में आई, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. तो फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है, फर्स्ट फिंगर B, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर, तो करंट कहां आएगा, टुवर्ड सेंटर. B मोशन ऑफ अ कंडक्टर, थंब और ये रहा. तो करंट यानी कि इस केस में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इंड्यूस करंट ऐसे आएगा, और इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो P इज एट हायर पोटेंशियल एंड Q इज एट लोअर पोटेंशियल. ये भी पूछा जाता है कौन हायर कौन लोअर, पहले करंट निकालते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं, फिर हायर पोटेंशियल प्लस लोअर पोटेंशियल नेगेटिव. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?